पीलीखेड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नवीन भवन निर्माण में भारी अनियमितताएं देखी गई। सभी कॉलम तोड़कर दोबारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार खड़े किए जाएंगे। ठेकेदार की लापरवाहियों के कारण हुआ भारी नुकसान। विभागीय अधिकारियों ने समय पर की कार्रवाई, दोबारा गलती करने पर बिल्डिंग नहीं होगी हैंडओवर, पेमेंट भी रोका जाएगा। पीलूखेड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नवीन बिल्डिंग निर्माण में गुणवत्ताहीन कार्य करने पर विभागीय इंजीनियर SDO और नरसिंहगढ़ CBMO के द्वारा औचक निरीक्षण कर गुणवत्ता की जांच कराई गई। बिल्डिंग के सभी कॉलम और पुटिंग को तोड़कर दोबारा उसी जगह पर ड्राइंग के अनुसार सभी कॉलम निर्धारित मापदंड से खड़े करना होगा। ठेकेदार के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन और मापदंड के अनुसार काम नहीं किया गया, इसी को ध्यान में रखते हुए CBMO, SDO और इंजीनियर साहब के द्वारा ठेकेदार से लिखित जवाब लिया गया। यदि भविष्य में गुणवत्ताहीनता और लापरवाही पूर्वक काम किया गया तो ठेकेदार का पेमेंट रोक दिया जाएगा और बिल्डिंग भी हैंडओवर नहीं की जाएगी। टेक्निकल प्रॉब्लम में हमारे इंजीनियर्स जो टीम है तो पूरी आई हुई निरीक्षण भी किया है, तो जो कॉलम इनके भरे हुए हैं शायद उसमें जो टेक्निकल कमी है, जितनी गहराई लंबाई चौड़ाई इस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं है, तो सारे कॉलम को अलग किया जा रहा है और इनको फिर से उनको कॉलम को भरा जाएगा। तो शासन की गाइडलाइन के अनुसार काम सही नहीं हुआ। हाँ, शासन की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं था, इसलिए सारे कॉलम उनको उखाड़ के फिर नए डाले जाएंगे। तो ठेकेदार के द्वारा मनमानी की गई है। हाँ, स्वाभाविक है, अगर इंजीनियर की देखरेख में हुआ होता तो इतना गड़बड़ काम नहीं होता था। इसका मतलब यह कि इंजीनियरों का निरीक्षण यह नहीं होता। निरीक्षण हो गया है और ठेकेदार के भी साइन करा लिए हैं और उनको फिर से ये कॉलम डालने के लिए कहा गया है और जितने भी कॉलम डले हैं सबको फाड़ा जा रहा है। ठेकेदार के द्वारा किस बात पर साइन किए गए? जो कमियां जो इंजीनियर द्वारा दर्शाई गई है उस पर उनके साइन ले लिए गए, ये कमियां आपके द्वारा प्रदर्शित हैं तो इनको पूर्ण करें। अगली बार ठेकेदार की अगर गलती पाई जाती है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? उसका भुगतान नहीं किया जाएगा और बिल्डिंग हैंड ओवर नहीं होगी। उसका बात ही गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए।